समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए चलते हैं आज की खबर की ओर। शरद यादव जी अपने आप में विचारों की एक संस्था थी, ये कहना है जदयू प्रदेश अध्यक्ष सूरज जायसवाल जी का। स्वर्गीय श्री शरद यादव जी की प्रथम पुण्यतिथि पर आज जनता दल यू मध्य प्रदेश ने जबलपुर स्थित सदर कार्यालय में उनकी प्रथम पुण्यतिथि मनाई। इस अवसर पर जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष सूरज जायसवाल ने कहा कि शरद यादव जी जैसा सामाजिक न्याय के लिए हमेशा संघर्ष करने वाला व्यक्ति इस देश में दूसरा नहीं हो सकता। शरद यादव जी अपने आप में विचारों की एक पूरी संस्था थे और छात्र जीवन से ही उन्होंने जनहित के लिए संघर्ष किया और इस देश की राजनीति में समाजवादी व्यक्तित्व के रूप में स्थापित हुए। आज जबलपुर को जो भी बड़ी उपलब्धि मिली है वह सब शरद यादव जी की ही देन है। जबलपुर उनके एहसानों को कभी नहीं भूल सकता। रेलवे जोन, ट्रिपल आईआईटी, जबलपुर का डुमना एयरपोर्ट, जबलपुर से दिल्ली सीधी रेल सुविधा, ब्रॉडगेज, एफसीआई का सेंटर, गोदाम, ऐसी अनेक बड़ी उपलब्धियां जो जबलपुर जिनके कारण आज पहचाना जाता है, यह सब शरद यादव जी और जनता दल यू की ही देन है। जबलपुर को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान शरद जी के कारण ही मिली, इसलिए शरद जी की प्रतिमा जबलपुर में स्थापित हो इसके लिए जनता दल यू संघर्ष करेगा और मूर्ति स्थापित करवा कर रहेगा ताकि आने वाली पीढ़ी जबलपुर की उपलब्धियों में शरद जी के योगदान को पहचान सके। इस अवसर पर श्री सिद्धि विनायक गणेश मंदिर सीहोर के पीठाधीश्वर डॉक्टर चारूचंद्र व्यास ने भी सर जी की जीवनी पर और उनके योगदान पर अपने विचार रखे। जदयू के जिलाध्यक्ष सुभाष जायसवाल जी ने शरद जी के छात्र जीवन को संघर्ष को याद किया। श्री मोहन दुबे, मिथिलेश यादव, श्री कुमार व्यास, पुष्पांजलि तिवारी, उज्जैन अवंतिका मुक्त तीर्थ पुरोहित पंडित रूपम जोशी, कुमारी कंचन चौधरी, मुस्ताक अली एवं अन्य जनता दल यू के कार्यकर्ताओं ने शरद जी की पहल चित्र पर माला अर्पण कर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। आज जनता दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक सदस्य श्री शरद यादव जी की प्रथम पुण्यतिथि है और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जबलपुर संस्कार धानी के लिए शरद जी ने जो किया है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज जबलपुर जिले की जो भी बड़ी उपलब्धियाँ हैं, चाहे वो रेलवे जोन हो, डुमना हो, एयरपोर्ट हो, चाहे ट्रिपल IIT हो, चाहे पहली ट्रेन जो जबलपुर को दिल्ली से जोड़ने वाली हो कुतुब एक्सप्रेस और ब्रॉडगेज, ऐसे कई बड़े काम हैं जो जबलपुर में शरद यादव जी के ही द्वारा करवाए गए हैं, जनता दल के द्वारा ही किए गए हैं। और हम इतना ही कहना चाहेंगे कि जनता दल यू मध्य प्रदेश शरद जी के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है और उनके दिखाए गए मार्ग, सामाजिक न्याय जिसके लिए हमेशा उन्होंने लड़ाई लड़ी, उसको पूरी तरह लड़ने के लिए संकल्पित है। साथ ही साथ क्योंकि जबलपुर से शरद जी सांसद रहे, जबलपुर को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने में शरद जी का बहुत बड़ा योगदान था, तो आज जनता दल यू की जिला इकाई ने और हम सब ने मिलकर निर्णय किया है कि जबलपुर में शरद जी की प्रतिमा स्थापित हो ताकि आने वाले समय पर जो हमारी नौजवान पीढ़ी है उनको शरद जी के जो योगदान है उससे अवगत हो सके। इसके लिए हम प्रयास करेंगे और कल ही नगर निगम के महापौर और जितने भी अधिकारी उनसे मांग करेंगे कि शरद जी की प्रतिमा जबलपुर में स्थापित की जाए। जबलपुर में हमारा आगमन एक सहयोग है। हम अपने भ्राता माननीय सूरज जायसवाल जी से भेंट करने आए थे। गणेश जी के मंदिर परिवार के हैं, जिनमें ऐतिहासिक सिद्धि विनायक गणेश मंदिर के मुख्य पीठाधीश्वर डॉक्टर चारूचंद्र व्यास और यहाँ पूर्ण दिवस, प्रथम पूर्ण दिवस समाजवादी और न्याय के प्रतीक और युवाओं के अंदर ऊर्जा का संचार करने वाले माननीय शरद यादव जी की प्रथम पुण्यतिथि थी। और जो भी व्यक्ति अच्छा कार्य करता है वो पूजा जाता है। जहाँ आज माननीय शरद यादव जी की पुण्यतिथि मना रहे हैं, वहीं आज राष्ट्र विवेकानंद जयंती भी मना रहा है, तो कहीं ना कहीं माननीय शरद यादव जी और विवेकानंद जी इस धरती पर अवतार लेने वाले महापुरुषों के रूप में सदैव जाने जाएंगे। ये थी आज की खबरें। और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।